हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम पढ़ेंगे 11th क्लास की बुक हॉर्नबिल की पोयम नंबर 4th चाइल्डहुड, इसको मार्कस नेटन द्वारा लिखा गया है। आज हम इसका सेंट्रल आइडिया समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। चाइल्डहुड बाय मार्कस नेटन। सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया समझने से पहले हम ये बात इस बात पर ध्यान देंगे कि कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स लिखेंगे, कीवर्ड्स लिखेंगे, उसके हेल्प से हम सेंट्रल आइडिया को बनाएंगे। चाइल्डहुड, बचपन, मार्कस न्यूटन। इस पोएम में 4 स्टैंजा हैं, 4 स्टैंजा हैं, और इस पोएम में कवि अपने बचपन को खोजता है। शुरू के 3 स्टैंजा में वह क्वेश्चन करता है, When did my childhood go? मेरा बचपन कब चला गया? और लास्ट के 4th में उसे पता लग जाता है कि Where did my childhood go? मेरा बचपन कहाँ चला गया? ठीक है, तो देखिए पोएट क्या करता है, आस्क पूछता है एंड सर्च खोजता है। इस चाइल्डहुड, अपना बचपन, चाइल्डहुड। क्वेश्चन क्या रहता है उसका, व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो, मेरा बचपन कब चला गया। फर्स्ट स्टैंजा में पोइट कहता है कब चला गया, एट द एज ऑफ 11, एज ऑफ 11, जब कभी 11 का हुआ, तो उसे ये बात समझ में आई कि हेल एंड हेवन, हेल एंड हेवन, स्वर्ग और नर्क, नो नहीं है कहां, इन ज्योग्राफी, भूगोल में स्वर्ग और नर्क नामक स्थान नहीं है, इस बात का पता चला। तब उसे लगा कि स्वर्ग नर्क नहीं है, तो उसे लगा कि मेरा बचपन 11 ईयर में चला गया। फिर अगले स्टैंजा में क्वेश्चन करता है, दूसरे स्टैंजा में क्वेश्चन करता है कि एडल्ट, एडल्ट्स आर फेक, जो बड़े लोग होते हैं वह ऐसे लोग हैं, फेक हैं, झूठे हैं, दे प्रिटेंड टू बी गुड, वे अच्छा होने का बहाना करते हैं, दे प्रिटेंड टू बी गुड, यानी वो वयस्क लोगों को पहचानने लगा, तो उसे लगा कि उसका बचपन तब चला गया। फिर 3rd स्टैंजा में कोई लगता है जब वो कैसा हो गया, मैच्योर हो गया, बड़ा हो गया, लेकिन मैच्योर और अपने स्वयं के विचारों का मालिक हो गया, मास्टर ऑफ हिज थॉट, अपने विचारों का मालिक हो गया, यानी उसके खुद के विचार उसे बनने लगे, समझने लगा, अपने फैसले स्वयं लेने लगा, तो लगा मेरा बचपन तब चला गया। 4th स्टैंजा में कवि को पता लग गया कि मेरा बचपन कहां चला गया, वेयर डिड माय चाइल्डहुड गो, चाइल्डहुड गो, कहां चला गया। उसको मिल गया, फाउंड, फाउंड हिज चाइल्डहुड, कहां मिला उसे, इन्फेंट फेस, शिशु के चेहरे में, इन्फेंट फेस, तो
इन्फेंट फेस कैसा होता है? प्योर एंड ट्रू, शुद्ध और सच्चा होता है। अब हम इसका सेंटर आइडिया पूरा एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, चाइल्डहुड इज अ पोयम कंपोज्ड बाय मार्कस न्यूटन। ही आस्क एंड सर्चेस हिज चाइल्डहुड। चाइल्डहुड मार्कस न्यूटन द्वारा लिखी हुई कविता है। ही आस्क पर पूछता है और खोज करता है अपने चाइल्डहुड की। क्वेश्चन करता है वो, व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो, मेरा बचपन कब चला गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन रहता है उसका कि मेरा बचपन कब चला गया। फोर स्टैंजा इस पोयम में है और फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों में क्वेश्चन रहता है उसका कब चला गया। एट द एज ऑफ 11 पोएट थिंक्स कि हिज चाइल्डहुड हैज गॉन एट द एज ऑफ 11। कब चला गया है? 11 ईयर की अवस्था में। बिकॉज ही फाइंड्स नो हेवन एंड हेल इन ज्योग्राफी, कि उसे भूगोल में स्वर्ग और नर्क नामक स्थान नहीं मिलते हैं, तो उसे लगता है उसका बचपन 11 ईयर में चला गया। आफ्टर इट ही थिंक्स एडल्ट्स आर फेक, जो वयस्क लोग होते हैं वो झूठे होते हैं। दे प्रिटेंड टू बी गुड, वे अच्छा होने का बहाना करते हैं। एंड ही बिकेम मैच्योर, व्हेन ही बिकेम मैच्योर, जब वह बड़ा हो गया। एंड मास्टर ऑफ हिज थॉट्स, अपने विचारों का मालिक हो गया। इन द लास्ट स्टैंजा पोएट फाइंड्स हिज चाइल्डहुड इन इन्फेंट फेस, बिकॉज इन्फेंट फेस इज प्योर एंड ट्रू, क्योंकि जो इन्फेंट का फेस होता है वह शुद्ध और सच्चा होता है। इस प्रकार से आप अपने शब्दों में इसको प्रेजेंट में भी लिख सकते हैं और पास्ट में भी लिख सकते हैं। थैंक यू।